नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए सीसी यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो फिर से आज एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूं। तो देखें, यहां पर हमारे सामने एक न्यूज़पेपर का कटिंग है और यहां पर लिखा हुआ है CCSU कोरोना की छूट खत्म, अब 3 घंटे के पेपर। तो जैसा यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से क्या हो रहा था कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट की कराई जा रही थी, बट उससे पहले आपकी जो परीक्षाएं थी वो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे की होती थी। कोरोना को बढ़ते देखते हुए जो है वो ये फैसला लिया गया था पिछली बार कि आपकी जो परीक्षा है वो 1.5 घंटे ही कराई जाए, तथा क्वेश्चनों की संख्या भी जो है वो आधी कर दी जाए। परंतु जैसा आप सभी को पता है कि अब कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है भारत से, अन्य देशों में अब भी है बट भारत में कोरोना नहीं है इतना कि इस बार भी फिर से इतनी छूट दी जाए। तो यहाँ पर CCSU की तरफ से इस बार जो है वो कोरोना की छूट ख़त्म कर दी गई है और अब 3 घंटे का पेपर आपका होगा। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अपडेट जो है दिए गए हैं। देखिए, NEP प्रथम सेमेस्टर के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी अपडेट दी गई है, फीस जमा करने पर भी यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट दिया गया है और प्रथम वर्ष के छात्रों को भी मौका यहाँ पर दिया गया है। तो सारी बात आज इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा तो ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। लिखा हुआ है कि मार्च 2020 में कोरोना के संक्रमण के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समय और सवालों की जो छूट दी गई थी वो अब ख़त्म हो गई है। विश्वविद्यालय ने NEP प्रथम सेमेस्टर को लेकर UG PG की मुख्य परीक्षा BEd MEd सम सेमेस्टर पेपर 3 घंटे के ही होंगे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन NEP MEd MA जो आपके परीक्षा है उनके जो पेपर हैं वो यहाँ पर 1.5 घंटे के बजाय अब 3 घंटे के होंगे। अभी तक ये पेपर 1.5 घंटे के होते थे, सवालों की संख्या भी कोरोना के से पहले जो है वो आधी हो गई थी और विश्वविद्यालय ने छात्रों को नए नियमों का अनुसार पेपर करने की तैयारी जो है वो दी है। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में बुधवार को उक्त फैसला लिया गया कि प्रोफेसर वाई बिमला, रजिस्ट्रार धरेंद्र कुमार, परीक्षा नियंत्रक अश्विनी शर्मा, सहायक कुल सचिव सत्य प्रकाश सिंह, हरे कृष्ण आदि जो है वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई आप जो आपकी परीक्षा है वो 1.5 घंटे की न होकर 3 घंटे की होगी, चाहे वो परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो NEP की हो, चाहे वो MA की हो, चाहे वो MSc की हो, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा हो वो अब 3 घंटे की होगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि सभी छात्र छात्राएँ हैं जो 3 घंटे के अनुसार ही अपनी तैयारी करें। अब आपका पेपर जो है 3 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, NEP वालों के लिए बात की गई है कि NEP प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म अब 27 तक, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि NEP फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में NEP प्रथम सेमेस्टर को लेकर परीक्षा फॉर्म अब 27 मार्च तक भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय ने फॉर्म में आ रही दिक्कतों के बाद छात्रों को एक मौका देते हुए अंतिम जो है वो तिथि बढ़ा दी गई है और विश्वविद्यालय के अनुसार BA BCOM BSc प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म 27 मार्च तक ऑनलाइन भरवाते हुए 28 मार्च तक कॉलेजों में जमा कर सकेंगे। 29 मार्च तक कॉलेज छात्रों के फॉर्म सत्यापित करते हुए विश्वविद्यालय में जमा कराएंगे और विश्वविद्यालय में छात्रों को NEP के निर्देश अच्छे से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, चेक कर लें। यानी कि ये कहा गया है कि भाई आपको फॉर्म जो है वो 27 तारीख तक भर लेना है, बट फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नियम जो है वो पढ़ लें NEP के, और फॉर्म भरने के बाद अपना फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद ही कॉलेज में जमा करें। और कॉलेज में जब जमा कर लेंगे कॉलेज स्टाफ, तो उसके बाद एक बार आप अंतिम सत्यापन करने के बाद यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, लिखा है राहत, फीस जमा कर फॉर्म भरे। यहाँ पर फीस को लेकर भी बड़ा अपडेट जो है दिया गया है कि बिना फीस जमा किए, यानी कि बिना फीस जमा किए पदोन्नत हुए 3000 छात्रों को विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत दी है। ऐसे छात्र फीस जमा करते हुए अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा नहीं होने से ये स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे छात्र जिन्होंने पिछले साल प्रमोशन हुआ था, पिछले साल फीस दी थी और इस बार उनके जो फॉर्म थे भरे नहीं जा रहे थे, फीस को लेकर कोई समस्या थी, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया कि अगर आप फीस भरेंगे इस साल तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपको, आप पिछले साल प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ, फीस तो आपको देनी ही होगी। और यहाँ पर देखिए, MA प्रथम वर्ष के छात्रों को मौका। विश्वविद्यालय के अनुसार MA प्राइवेट में वर्ष 2020 में ऐसे छात्र जो बैक पेपर में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे,
वो अब पेपर दे सकते हैं। और विश्वविद्यालय के अनुसार दिव्यांगों की परीक्षा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि जो 2020 में कोरोना कारण बैक का पेपर नहीं दे पाए थे, ऐसे स्टूडेंट एमए 2020 के अब अपनी परीक्षा पूरी करके अपनी बैक क्लियर कर सकते हैं, अपना जो है रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पर दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा छूट दी जाती है भारत सरकार के द्वारा कि भाई अगर नॉर्मली 90 मिनट का पेपर है तो इनको 110 से 120 मिनट दी जाती है, तो वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात और, इससे अलग एक अपडेट और है, वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन वो कि PhD एंट्रेंस टेस्ट, ये तो अलग है। यहाँ पर जो PhD के स्टूडेंट हैं जो PhD करना चाहते हैं उनका जो इस बार टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT के माध्यम से आपका जो टेस्ट है वो होगा। और दोस्तों एक बात और बताऊँ मैं आपको कि अगर आपकी पिछली बार बैक आई है किसी भी सब्जेक्ट में, MA, MCOM, MSc, BA, BCOM, BSc में किसी में भी आपकी बैक है, और आपका एक कोड का पेपर हुआ था और उसमें आपकी बैक है और दूसरे कोड के पेपर में आपकी बैक दे दी गई थी, तो मैं आपको बता दूं वहां पर आपको दोनों कोड के पेपर देने होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपके जिस पेपर में आपने बैक आई है उसमें बैक दे दोगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पेपर यानी कि उस सब्जेक्ट के जितने भी कोड हैं सब में पेपर देना होगा। मान लीजिए आपका 139 पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी और में बैक है तो आपको पॉलिटिकल साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 2, पॉलिटिकल साइंस 3 तीनों के पेपर जो है वो देने होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो रखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों एक बार और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 90 मिनट का आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें, अपनी जो तैयारी है वो 3 घंटे के अनुसार लेकर चलें। और जो छात्र मॉडल वगैरह के लिए परेशान है उनको मैं बता दूं कि या तो आप किसी छात्र छात्रा से ओल्ड मॉडल ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, अन्यथा आप मार्केट से न्यू मॉडल ही ले सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।